हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंजीनियरिंग टर्म में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने रेस्ट और मोशन के कुछ क्वेश्चन बनाए थे। आज हम फिर से कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, तो आइए हम अपने क्वेश्चन पर ध्यान दें। 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बॉल में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड, ये क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? आप से ध्यान से देखेंगे तो ये दिया हुआ है त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होगी? तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, तो हमें दिया हुआ है 6 किलोग्राम द्रव्यमान, जिसे हम फिजिक्स में मास कहते हैं। तो एम बराबर 6 kg दिया हुआ फ्रेंड्स। और त्वरण, त्वरण जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, बराबर हमारे पास दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, उत्पन्न करने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होगी? फ्रेंड्स बल यानी कि फोर्स निकालने बोल रहा है, तो फ्रेंड फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको, एफ इजकल टू एम इंटू ए, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो एफ मास दिया हुआ फ्रेंड्स केजी में, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए आप, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर, आइए फ्रेंड्स हम अपने अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें। फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ें। 12 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगातार 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा दूसरी पर लगातार 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। यदि दोनों वस्तुएं एक साथ बांध दी जाएं तो वह बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा? तो फ्रेंड्स हमें निकालने क्या बोल रहा है, त्वरण जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स हमारे पास दिया हुआ क्या है, सबसे पहले तो एफ दिया हुआ है 12 न्यूटन का बल फोर्स, एक्सेलरेशन इसे A1 मान लेते हैं, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे A2 मान लेते हैं, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ फ्रेंड्स उत्पन्न करता है यदि दोनों वस्तुएं एक साथ। तो फ्रेंड इस तरह के जब भी फ्रेंड्स हम क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, M1 निकालेंगे। M1 निकालने के लिए फोर्स बाई त्वरण, एक्सेलरेशन, तो क्या होगा फ्रेंड्स, एम वन एफ बाई A1, तो F दिया हुआ है पर 12, A1 क्या है फ्रेंड्स 6, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 2, तो वो क्या लिखेंगे kg। फिर M2 निकालेंगे फ्रेंड्स, M2 के लिए F बाई A2, 1 लिया था अब 2 लेंगे, तो फिर से 12 बाई A2 क्या है फ्रेंड्स 3, 3 चौके 12, 4 kg। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम M निकालेंगे। M निकालने के लिए हमें M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 करना होगा फ्रेंड्स। तो जब M1 यानी 2 एंड 4 जोड़ देंगे तो हमारे पास M इज इक्वल टू आ जाएगा 6 kg। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बोला क्या गया है, दिया जाए तो वह बल कितना त्वरण उत्पन्न करे, त्वरण निकालने को बोल रहा है फ्रेंड्स, फिर से हमें त्वरण निकालने बोल रहा है यानी कि A। तो जब भी इस तरह से त्वरण A निकालने बोले फ्रेंड्स तो F बाई M कर देंगे, तो A इज इक्वल टू F बाई M, F दिया हुआ है 12 और M पूरा हमारे पास 6 आया है, 6 × 12 दो आंसर। तो फ्रेंड्स आप समझ ही रहे होंगे हमने क्या बोला है फ्रेंड्स, त्वरण के A से नोट करते हैं, A निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा, A इज इक्वल टू F बाई M। तो फ्रेंड्स आइए हम अपने अगले क्वेश्चन में ध्यान दें। 200 ग्राम के एक खिलौना कार 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से चलती है तो उसका आवेग क्या होगा? फ्रेंड्स क्या निकालने बोला फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे आप, हमें निकालने बोला है आवेग। आवेग को हम P से डिनोट करते हैं, आवेग P। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, हमारे पास दिया हुआ है मास 200 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, 200 ग्राम में दिया होता है, इसे हमने केजी में बदलने के लिए 200 ग्राम बटा एक हर करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब इसे हम काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 kg, आ गया फ्रेंड्स। अब क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, हमारे पास भी दिया हुआ है पर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो वेग त्वरण बोलता तो ये लेते हैं,
तो वी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। और निकालने के वाला फ्रेंड्स आवेग, तो इसका वो एक फॉर्मूला होता है आवेग पी बराबर द्रव्य मान एम इंटू वेग। ठीक है फ्रेंड, तो क्या होगा फ्रेंड पी इज इक्वल टू द्रव्यमान, क्या दिया फ्रेंड्स हमारे पास 0.2 kg, वेग दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या फ्रेंड्स 1.0 kg मीटर पर सेकंड आंसर।